अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आजकल के दौर में जहाँ एक जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, वहाँ आप अपनी मुश्किलात को ख़ुद भी बढ़ा रहे होते हैं। अगर आप किसी भी जॉब पे अप्लाई करेंगे तो सब डॉक्यूमेंट से पहले आपको अपनी सीवी लगानी होती है। सीवी में आपका मुकम्मल डाटा होता है। इंटरव्यू लेने वाला जस्ट आपकी सीवी को देख के ही आपसे क्वेश्चन करता है, क्योंकि उसमें आपने अपनी हर स्किल मेंशन की होती है। मान लो कि आपकी वही सीवी या रिज्यूम भी आपकी ऐसी हो कि देखने वाले का मूड ही ख़राब हो जाए, तो क्या वो आपको जॉब पे रखेगा? बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले सीवी आपकी ऐसी हो जिसे देख के इंटरव्यू लेने वाला आपकी सीवी को देखता ही रह जाए। आज मैं आपको एक प्रोफेशनल सीवी का टेम्पलेट बनाना सिखाऊंगा, जिससे आप अपनी सीवी को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब अगर हम बात करें कि जब हम सीवी के टेम्पलेट्स बनाते हैं, तो उससे पहले हमें हमारे पास फाइल के अंदर जब हम न्यू ओपन करते हैं तो हमारे पास ब्लैंक के अलावा हमारे पास ये मुख्तलिफ से डिफ़ॉल्ट से एक टेम्पलेट्स दिए होते हैं। अगर इनमें से आपको कोई पसंद आता है तो आप इसके मुताबिक अपने सीवी को अपडेट कर लें। अगर ये आपको पसंद नहीं आता तो आप अपना एक सीवी का टेम्पलेट बना सकते हैं और अपनी अच्छी सी सीवी बना के अपने कैरियर का आगाज कर सकते हैं। तो इस टेम्पलेट्स को बनाने के लिए कुछ कलर्स होते हैं और कुछ टेक्स्ट का साइज होता है। इस पूरे टेम्पलेट्स में हमारे पास दो कलर्स हैं, उसके बाद टेक्स्ट का साइज होगा और हम एरियल यूज़ करेंगे। जो इंटरनल टेक्स्ट होगा वो हम 10 रखेंगे या 12 रख सकते हैं, जो टाइटल होगा उसको 14 रखेंगे, और पिक्चर को हम राउंड रख सकते हैं या किसी भी शेप में रख सकते हैं। तो ये सारा कुछ हमने एमएस वर्ड में ही किया है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस टेम्पलेट्स को। मैं एक न्यू फाइल ले लेता हूँ, यहाँ से एमएस वर्ड की एक फाइल ले लेता हूँ। इसको हम अब एडिट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसका पेज सेटअप होता है, इसको करना ज़रूरी होता है। फाइल में जाएंगे, यहाँ प्रिंट में जाएंगे और यहाँ पे हमने पीडीएफ सेट करना है और मेक श्योर कि आपका जो पेज साइज़ हो वो A4 हो। A4 करने के बाद आपने बैक आ जाना है। अब हमने यहाँ पे एरियल सेलेक्ट करना है और एरियल के बाद हम ये साइज़ मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ यूज़ करेंगे, तो हम ये बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका एक शेड बना लेते हैं, इसकी एक शेप बना लेते हैं। जो हमारा डिज़ाइनिंग फेज़ है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो डिज़ाइनिंग में क्या है, एक बार इधर है और एक बार यहाँ पे है, और यहाँ पे ये साइड पे ये कॉर्नर बने हुए हैं, तो ये हम सबसे पहले कंप्लीट करते हैं। तो चले मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पर शेप लेंगे। शेप हम ये वाली ले लेते हैं, इसको मैं ड्रा करता हूँ शेप को। तो इस शेप को मैं एडजस्ट कर लेता हूँ अपनी स्क्रीन पे। आप बैक इधर रखना चाहते हैं तो रख लें, नहीं इधर रखना चाहते तो इधर स्पेस ना छोड़ें, वो आपकी मर्ज़ी है। ये हमारे पास एडजस्ट हो गया। अब सबसे पहले इसका हमने कलर चेंज करना है, तो कलर के लिए आप शेप फिल में जाएंगे और यहाँ से आप ब्लैक सिलेक्ट कर लेंगे। सेकंड शेप हमारे पास है, यहीं वाली ले लेते हैं। इसको मैं यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ, इसको मैं एग्जैक्ट अपनी पेज के मुताबिक कर लेता हूँ। ये करने के बाद दूसरा हमारे पास आता है, हमने पिक्चर भी इंसर्ट करनी है, यहाँ पे पिक्चर भी लगानी है। तो इंसर्ट करेंगे पिक्चर, तो मेरे पास ये इमेज एक अवेलेबल है तो मैं इसको कर लेता हूँ। अब ये देखें हमारे पास ये पिक्चर जो है वो इन दोनों के बिहाइंड है, तो हम इसको फ्रंट में लेके आना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि इसकी जो लोकेशन है वो फ्रंट में आए। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा रैप टेक्स्ट में और यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट सेलेक्ट कर देंगे, और इसकी शेप को राउंड करने के लिए हम क्रॉप टूल में जाएंगे। यहाँ से आप किसी भी शेप का इसको क्रॉप कर सकते हैं। अगर ये ओवल करता हूँ तो ये ओवल शेप में आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको छोटा करना है, तो आपने अगर यहाँ से पकड़ के छोटा किया तो ये इसकी रेशियो ख़राब हो जाएगी। इस कॉर्नर से, चारों कॉर्नर से कहीं से पकड़ के आप कर सकते हैं, कॉर्नर से पकड़ के। तो यहाँ से ये मैंने सिलेक्ट कर लिया और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब इसके बॉर्डर को हमने ब्लू करना है। आपने वहाँ देखा होगा कि हमने उस बॉर्डर को ब्लू किया हुआ था, यहाँ देखें ये हमने बॉर्डर को ब्लू किया हुआ था। इस पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, बॉर्डर पे आएंगे और यहाँ पे इसको, ये हमारा ब्लू है, इसको ब्लू कर देंगे, ये हमारा बॉर्डर ब्लू हो गया है। अब दूसरी चीज़ है हमारे पास, हमारे कॉर्नर पे जो एक शेड बनी हुई थी हम वो लगाते हैं। यहाँ से इसको मैं एक शेप बना लेता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे ये देखें वो शेड थोड़ी सी बारीक थी, ये बहुत मोटी है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके एडिट पॉइंट करेंगे और इस पॉइंट को हम मैनुअली कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। जितनी आपको बारीक चाहिए आप इस एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको एडजस्ट करता हूँ,
एडजस्ट करने के बाद मैं इसको रोटेट कर देता हूँ इस तरफ, इस कॉर्नर को पकड़ के इस तरफ कर देता हूँ और इसका साइज थोड़ा सा कम कर देता हूँ और इसे उठा के मैं यहाँ पे फिट कर देता हूँ अपने कॉर्नर पे, ऊपर वाले कॉर्नर पे। अब इसी को हमने कॉपी करना है, तो कॉपी के लिए आपने इस पे क्लिक करना है और कंट्रोल को होल्ड करना है। जब ये आइकन बने, आप माउस पे देख सकते हैं हमारे कर्सर पे जो आइकन है वो ये बन रहा है, तो हम इसको उठा सकते हैं और अब इसकी कॉपी जनरेट हो चुकी है। अब इसको हमने नीचे लगाना है, तो इसको यहाँ से पकड़ेंगे और नीचे कर देंगे अपनी लेंथ के मुताबिक और यहाँ से इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। तो ये हमारा डिज़ाइनिंग फेज कंप्लीट हो गया है। अब हमने अपना नाम लिखना है, यहाँ पे जो टाइटल पे नाम हमारा होता है वो हमने लिखना है। तो इंसर्ट में जाएंगे और शेप में सबसे पहले खड़ा होगा ये टेक्स्ट बॉक्स, तो हमने टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करना है और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स एंटर कर देंगे। ये टेक्स्ट बॉक्स है। अब टेक्स्ट बॉक्स जब भी हम क्रिएट करते हैं तो उसका जो बैकग्राउंड होता है वो वाइट कर देता है, तो हमने अपना बैकग्राउंड वाइट नहीं रखना, हमने ब्लू ही रखना है, उस पर जो टेक्स्ट आए वो वाइट रखना है। तो शेड में जाएंगे और यहाँ पे हम अपनी वहीं वाली जो बैकग्राउंड पे है वहीं शेड सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बॉर्डर को हम नो आउटलाइन कर देंगे। अब ये हमारे पास टेक्स्ट तो खड़ा है लेकिन ये नज़र नहीं आ रहा। अब इसके ऊपर जो टेक्स्ट है वो हमने वाइट रखना है, तो मैं लिखता हूँ अपना नाम, इसका मैं साइज बड़ा कर देता हूँ। अब ये हमारा नाम आ गया। अब नीचे हमने लिखना होता है अपना प्रोफेशन, क्या हमारा प्रोफेशन है, तो इसको हम क्लिक करने के बाद कंट्रोल को होल्ड करेंगे, इसी को कॉपी कर लेंगे, नीचे कर देंगे इसको। अब यहाँ पे मैं कुछ और लिख देता हूँ, फिजिक्स टीचर। इंजीनियर हैं तो इंजीनियर लिख सकते हैं, वेब डेवलपर हैं तो वेब डेवलपर लिख सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी लिख सकते हैं, वट एवर आप जो भी हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है सेकंड पे अबाउट सेक्शन, तो यहाँ पे हम दोबारा जाएंगे इंसर्ट में और यहाँ पे एक टेक्स्ट लेंगे और इस पे लगा लेंगे टेक्स्ट। तो ये हमारे पास देखें दोबारा वाइट आ गया, तो हम इसको ब्लैक करेंगे, इसको हम फिल करेंगे ब्लैक के साथ और इसका जो बॉर्डर है वो नो आउटलाइन कर देंगे। अब ये हमारे पास आ गया, यहाँ से हम इसका जो टेक्स्ट है वो एरियल कर देते हैं और इसका जो टाइटल होगा वो 14 रखते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ अबाउट। ये रखने के बाद हमें अबाउट मी के सेक्शन बनाना है कि हम अबाउट मी में क्या लिखेंगे, तो हमने इसी को कॉपी करना है, कंट्रोल होल्ड करेंगे और यहाँ पे इसको यहाँ पे लेके रख देंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे क्योंकि हमारा अबाउट सेक्शन है हमारे बारे में होता है, तो वो हमारा थोड़ा सा लेंथी होता है। आपने अपना अबाउट अपने मुतालिक लिखना है, तो इसको आप अलाइन कर सकते हैं अपनी इसी रेंज में, इसको अलाइन कर सकते हैं, इसका साइज़ भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साइज़ कम करने के लिए आपने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपने ये 10, 11 जितना भी हो रखना है, उसके बाद इसको सेंटर अलाइन कर दें। तो ये आ गया हमारे पास अबाउट सेक्शन। अब दूसरा हमारे पास है कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस और लोकेशन, तो हम ये बनाएंगे। ये कैसे करेंगे, यहाँ से हमने इंसर्ट करना है एक टेक्स्ट, तो टेक्स्ट हम यहीं से यहीं ले लेते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं अपने पास, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ हमने एक आइकन लगाना है अपने फ़ोन नंबर का, तो यहाँ से मैं इंसर्ट में जाऊँगा और आइकन पे क्लिक करूँगा, आइकन में लिखूँगा फ़ोन, या कॉल लिखेंगे तो आपके पास वो आइकन आ जाएगा, तो मैं लिखता हूँ फ़ोन, तो ये हमारे पास ये कॉल का आ गया, इंसर्ट कर देंगे इसके अंदर। अब यहाँ पे देखें ये बिल्कुल बैक पे खड़ा है, तो हम इसको वर्ड एप में जाएंगे और यहाँ पे इसको बिहाइंड इन फ्रंट कर देंगे और इसका कलर जो है वो हम ब्लू रख लेते हैं, ये ब्लू। अब इसको उठा के हम यहाँ पे कर लेते हैं और इसका साइज छोटा कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने टेक्स्ट की जगह पे क्या लिखना है, अपना मोबाइल नंबर, ये आपका फ़ोन नंबर आ गया और ये इसका आइकन आ गया। अब इस दोनों चीज़ों को हमने कॉपी करना है क्योंकि हमने ईमेल और अपनी लोकेशन ऐड करनी है, तो हम इन्हीं को कॉपी करके उसको एडिट करते हैं। चले मैं इसको थोड़ा सा फास्ट करता हूँ। तो ये हमारे पास तीनों चीज़ें ऐड हो गई हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास लैंग्वेज एक्सपर्टीज़ और हॉबीज़ का, तो लैंग्वेज एक्सपर्टीज़ और हॉबीज़ का एक टैब बनाएंगे। यहाँ पे मैं शेप ले लेता हूँ एक। अब इस शेप को कॉर्नर को एडिट करेंगे, पॉइंट्स को, इन पॉइंट्स को हम डिलीट कर देंगे, ये भी पॉइंट डिलीट कर देंगे और ये भी पॉइंट भी डिलीट कर देंगे, ये राउंड शेप में हमारे पास आ जाएगी, ये राउंड शेप में हमारे पास आ चुकी है। अब इसको यहाँ से पकड़ के इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। अब इसका हमारे पास बैकग्राउंड कलर क्या है, ब्लैक है, तो हम इसको
फिल करेंगे ब्लैक के साथ। अब यहाँ पे कॉर्नर हमारे पास क्या आ गया है, वहीं ब्लू कॉर्नर आ गया है जो हम चाहते हैं। अब इसी के अंदर हम अपना टेक्स्ट को ऐड कर देंगे। मैं ये टेक्स्ट उठा लेता हूँ, इसी को मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो हमारा पहला पोर्शन कौन सा है, लैंग्वेज का है। तो ये हमारे पास लैंग्वेज आ गई, इसको हम अलाइन कर सकते हैं सेंटर में। सेंटर अलाइन के बाद हम इन दोनों को करेंगे कॉपी और यहाँ पे एक पेस्ट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास तीन चीज़ें थी यहाँ पे, एक लैंग्वेज, एक्सपर्टीज़ और हॉबीज़। तो हम तीन जगह पे इसको पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास लैंग्वेज का पोर्शन है, तो लैंग्वेज में हम यहीं से टेक्स्ट ले लेते हैं एक, इसी टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे रख के इसको इसका साइज़ बढ़ा देते हैं ताकि हमारा टेक्स्ट वो पूरा आ सके इसी के अंदर। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और लैंग्वेज में हमारे पास ये तीन लैंग्वेजेस हैं, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके अपनी इस शीट में पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पे हमारे पास दूसरा एक्सपर्टीज़ था, एक्सपर्टीज़ का हम पोर्शन उठाते हैं। सबसे पहले हम इसी को कॉपी करके नीचे रख देते हैं। तो हमारे पास है हॉबी, कौन कौन सी हॉबीज़ हैं, हम यहाँ से यही टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमारा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है अबाउट लैंग्वेज, एक्सपर्टीज़ और हॉबीज़ का। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमने यहाँ पे अपने तीन एक टाइटल बनाने हैं और उसमें अपना एजुकेशन, एक्सपीरियंसेस और अदर स्किल्स अपने ऐड करनी है। तो उसके लिए हमें वहीं एक राउंड शेप लेनी पड़ेगी। राउंड शेप नहीं होती तो हम ये लेते हैं, उसी को हम राउंड शेप बना लेंगे। यहाँ से इसको राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से एडिट पॉइंट और इन कॉर्नर्स को हम डिलीट कर देंगे। इसी के ऊपर हम एक टेक्स्ट लिखते हैं, यहीं से हम टेक्स्ट ये कॉपी कर लेते हैं, ये यहाँ पे आ गया। इसका बैकग्राउंड जो है वो ब्लू ही रखते हैं हम, जो हमारे पास ऑलरेडी था। और इसके जो टेक्स्ट है वो हम कहेंगे वाइट। अब यहाँ सबसे पहले हमारे पास होती है एजुकेशन। आप इस एजुकेशन का साइज भी बड़ा या छोटा कर सकते हैं, यहाँ पे इसको बढ़ा देता हूँ। एडजस्ट करने के बाद अब हम इसको कॉपी करेंगे, इस पूरे को कॉपी करने के लिए हमें एक क्लिक यहाँ पे और उसके बाद शिफ्ट को होल्ड करना है और दूसरे टेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो ये दोनों सिलेक्ट हो गए। अब यहाँ पे कंट्रोल को होल्ड करें और यहाँ पे ये आइकन बनता हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। यहाँ से इसको ड्रैग करें नीचे, यहाँ तक हमें एक यहाँ पे चाहिए और दूसरा हमें नीचे चाहिए अदर स्किल के लिए। तो हम यहाँ पे एजुकेशन लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्सपीरियंसेस और यहाँ पे अदर स्किल्स। अब यहाँ पे हमारे पास अदर स्किल आ गए। अब यहाँ पे हमने टेक्स्ट ऐड भी करना है, तो यहाँ के इंसर्ट में आके शेप में वहीं टेक्स्ट हम इंसर्ट कर देंगे यहाँ से यहाँ तक। अब इसी को हम कॉपी करके नीचे लेके आएंगे और यहाँ पे नीचे अब इनको एडजस्ट कर लेंगे हम अपनी टेस्ट के मुताबिक। अब हमारा डिज़ाइनिंग फेज कंप्लीट हो चुका है। अब हमने सिर्फ यहाँ पे अपनी एजुकेशन, एक्सपीरियंस और अदर स्किल जो हमारी हैं वो हमने ऐड करनी है। अब आपने अपनी यहाँ पे एजुकेशन फीड करनी है, एक्सपीरियंसेस फीड करने हैं और अदर स्किल्स आपने फीड करने हैं। अब जी आपका टेम्पलेट रेडी हो चुका है, अब इसमें अपना डाटा इंटर कर सकते हैं। अब इस टेम्पलेट में हमारे पास जो चीज़ें होती हैं वो नोट करने की वो ये होती हैं कि हमारा टाइटल का जो साइज़ है वो क्या होना चाहिए। अब इस टाइटल का साइज़ 14 रखा है, हर टाइटल का साइज़ 14 ही होगा। जो डाटा है उसका जो साइज़ होगा वो 12 या 10 रख सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ की अलाइनमेंट, आपके पास हर बॉक्स की अलाइनमेंट एक्यूरेट होनी चाहिए। जो टाइटल खड़े हैं इनकी अलाइनमेंट अच्छी होनी चाहिए और जो ऊपर वाला आपकी पिक्चर है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए और क्लियर पिक्चर होनी चाहिए बैकग्राउंड ब्लू के साथ या किसी भी और बैकग्राउंड के साथ। तो यहाँ पे आपका नाम है, इसको नाम को भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। आप ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। इसको सेंटर में लेके आता हूँ, इसको भी मैं सेंटर में लेके आ जाता हूँ। तो ये हमारे पास चीज़ें आ गई। यहाँ पे कुछ और छोटा सा भी लिख सकते हैं अपना टेक्स्ट ऐड करके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर इसके अलावा मजीद कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो जाते जाते मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।